तो काफ़ी खूबसूरत मौसम है एक बार फिर से अपने लॉस सैंटोस के अंदर, बट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ऊपर लगा हुआ ये रैंप। देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला रैंप चैलेंज है, वहाँ से लेकर उधर से लेकर ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा एनाकोंडा घूम रहा है आसमान के अंदर। बाकी एनाकोंडा नहीं है ये एक बहुत ही एपिक वाला रैंप है। और विंडमिल्स कितने हैं यार इस रैंप के अंदर, तुम लोग ध्यान से देखो ये सारे जो नीचे लटके पड़े हैं ये सब के सब विंडमिल्स हैं। और शिनचैन पिनचैन और चौक को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ बट ये लोग मुझे घर पर मिले ही नहीं, तो मुझे क्या लग रहा है गाइज ये लोग मे भी शायद से इस वाले रैंप चैलेंज पर गए हैं, बट पता नहीं यार वो लोग मेरे को क्यों नहीं बताते हैं कभी भी रैंप चैलेंज करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमेशा यार मेरे को अलग छाड़ देता है। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, मेरे को भी हमेशा शामिल करना चाहिए उन लोगों को। बाकी कोई बात नहीं, अभी फोन करता हूँ और सब कुछ पता करता हूँ यार क्या स्पेशल है आज के रैंप चैलेंज में और क्या होने वाला है रैंप चैलेंज में। लेट्स गो कॉल शिनचैन। हेलो भाई शिनचैन। अरे फैमिली यार आ जाओ तुम भी आ जाओ यार। कहाँ पर हो तुम लोग? अरे इस खतरनाक वाले रैंप चैलेंज पर है यार। अबे लायको तुम लोग मेरे को यहाँ पर छोड़कर क्यों चले जाते हो, मेरे को भी संग में ले जाया करो। अरे तुम्हें जगाते तो है यार, हम लोग सुबह 4 बजे ही निकल जाते हैं और तुम उठते हो 11 बजे। अबे तो फिर भी यार थोड़ा 11 बजे निकलते। अरे नहीं यार हमें तैयारी भी करनी होती है। यार बिल्कुल ही नमूने ही हो तुम लोग, अबे जगा देते भाई सुबह। अरे जगाया था यार, चौप ने तो और ज्यादा मेहनत की थी तुम्हें जगाने के लिए। क्या बकवास कर रहा है भाई साहब? हाँ यार कल तेरे मुंह पे सूसू कर रहा था मैंने, फिर भी नहीं तू जगा। क्या सच में? अबे नहीं मजाक कर रहा हूँ। अबे तो बता भाई क्या क्या है आज के रैम चैलेंज में स्पेशल? अरे तुम्हारे लिए एक गाड़ी रखी है घर की छत पर, उसे लेकर आ जाओ रैम चैलेंज के लिए। गाड़ी रखी है? अरे हाँ यार अपने घर की छत पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक मस्त गाड़ी मिलेगी। अच्छा ठीक है अभी देखता हूँ गाइस। बाकी इस रैम से एक प्लेन टकरा गया, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, और वो देखो प्राइवेट जेट टकरा गया और वो वहाँ पर नीचे गिर गया। कैसा रैम बनवाया है इन लोगों ने। बाकी हमारे घर की छत पर एक गाड़ी रखी है, कैसी गाड़ी रखी है? लेट्स गो जरा चेक करते हैं भाई कौन सी गाड़ी है हमारे घर की छत पे। ओ वेट ये तो लिमो लग रही है भाई किसी की, और ये तो बहुत ज्यादा लंबी लग रही है यार लिमो। क्या ये कितनी लंबी लिमो है? ओके गाइस अच्छा दो लिमो को इन लोगों ने आपस में कनेक्ट करके इस लिमो को बनाया। भाई क्या सफाई से बनाया पता नहीं चल रहा है, सच में यार क्या खूबसूरती से बनाया इस लिमो को, इतनी लंबी है ये। ओ भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है यार लिटरली में। एक तो लिमोजिन पहले से ही बहुत ज्यादा लंबी होती है बट ये नॉर्मल लिमो से भी डबल है, तो सोच लो भाई ये कितनी एपिक लग रही है। और एक सेकंड, इन लोगों ने मुझे ये वाली गाड़ी लेकर आने के लिए कहा है रैंप पर, मतलब ये लोग भी लंबी गाड़ी लेकर गए हैं। ओ तो ये लॉन्गेस्ट कार रैंप चैलेंज होने वाला है। ओ फिर तो मजा आएगा यार लिटरली में गाइस मजा आ जाएगा। नॉर्मली जो रैंप चैलेंजेस होते हैं सुपर कार स्पोर्ट्स कार इससे होते हैं, बट आज हम लोग कर रहे हैं गाइस लॉन्गेस्ट कार रैंप चैलेंज और जिसमें आई थिंक बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। ओके लेट्स गो। वैसे इधर इतना छाया क्यों रखा है? अच्छा रैंप की वजह से। ओ भाई लिमो कितनी लंबी है, मजा आ रहा है इसको तो चलाने में। रैंप उतना ही मुश्किल होने वाला है इससे करने में क्योंकि ऑलरेडी भाई रैंप चैलेंजेस में काफी सारे विंडमिल्स मुझे नीचे से ही नजर आ गए हैं, तो डेफिनेटली गाइस विंडमिल के आर पार निकल पाना बहुत ही ज्यादा डेडली होगा लंबी लंबी गाड़ियों को लेकर, बट मजा आएगा जो भी कहो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना तुम लोग गाइस। अभी जल्दी से निकलते हैं सीधे रैंप चैलेंज की तरफ और देखते हैं जरा शिनचैन पिनचैन चॉप अपने लिए कितनी लंबी गाड़ी लेकर आए हैं और इन लोगों ने मुझे जो लंबी गाड़ी दी है क्या इन लोगों की लंबी गाड़ी से ज्यादा लंबी है या फिर छोटी है। लेट्स गो लेट्स सी। ओके गाइस सामने की तरफ वो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, वो लोग तो नहीं हाँ अब वो लोग भी नजर आ रहे हैं और गाड़ियां इनकी दिख रही हैं। ओ भाई साहब ये लोग भी अपने लिए लॉन्गेस्ट कार लेकर आया है यार। पिनचैन को देखो शिनचैन को देखो इधर चॉप को देखो ये भी लिमो लेकर आया है वो भी मशीन गन वाली। यार मेरी गाड़ी सबसे लंबी है क्या इनमें से? ये तो गलत बात है। ओके तो चॉप की है ये वाली गाड़ी, नाइस अच्छी लग रही है। शिनचैन की है ये वाली गाड़ी, बढ़िया लग रही है। ओ इसकी अच्छी है बे, कितने पहिए हैं इसमें? 2, 2, 4, 6 व्हील्स हैं इसके अंदर, क्या बात है। और ये है गाइस पिनचैन की गाड़ी लंबी गाड़ी, और ये तो एक SUV है हमर है भाई हमर लॉन्गेस्ट हमर, क्या बात है लिमोजिन हमर। और यहाँ पर ये मेरी गाड़ी, हम चारों के बीच होने वाला है आज का ये एपिक वाला चैलेंज। तो चलो भाई शिनचैन शुरू करते हैं। अरे एक बार उससे पहले ड्रोन से देख तो लो। अच्छा अभी देखते हैं। तो रैम चैलेंज गाइस यहाँ से शुरू होता है, काफी ज्यादा खूबसूरती से ये आगे बढ़ता है और काफी डेडली होता चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को इधर आगे की तरफ विंडमिल से बचते बचाते आगे की तरफ जाना होगा और यहाँ से ऊपर की साइड घूम के इधर
से नीचे आते हुए इधर पाइप वाइप के थ्रू निकलते हुए इधर हुला हूप करते हुए इधर एनाकोंडा के पेट के अंदर से निकलते हुए ऊपर की तरफ से जाकर और यहाँ की तरफ आना होगा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर है फिनिश लाइन। भाई सब काफी डेडली है ये चैलेंज तो, लेकिन विनर कैसे तय होगा? जो इसको कंप्लीट कर देगा वो विनर? अरे नहीं यार, वापस है टाइम लिमिट। गॉट इट, मतलब टॉप राइट कॉर्नर में टाइम दिखने वाला है। अरे हाँ यार बिल्कुल, जो सबसे पहले सबसे कम टाइम में इस चैलेंज को कंप्लीट कर देगा वो जीत जाएगा यार। और जो अगर मान ले कहीं रैंप से गिर गया तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है? अरे बिल्कुल। ओके समझ गया गाइस। ओ भाई फिर तो मजा आएगा यार। और एंड में हम लोग देखेंगे लीडर बोर्ड की आखिर में कौन किस पोजिशन पर आया है। ओ भाई मजा आने वाला है। तो कौन शुरू करने वाला भाई सबसे पहले? यार मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ आज। अच्छा तो ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पर चॉप जाने वाला है, उसके बाद शिनचैन तू चला जियो, उसके बाद मैं और उसके बाद पिनचैन। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, चॉप शिनचैन मैं और पिनचैन। लेट्स गो भाई, चॉप तेरी बारी है सबसे पहले। ये देखो भाई बगल से एक पैसेंजर प्लेन जा रहा है। ओए अभी इधर उधर तो टकरा जाता है हमारे चैलेंज से रैंप से। भाई साहब यार कल भी गाड़ी में बैठ दो ना, मैं टाइमर कब स्टार्ट करेगा तू? टाइमर अभी स्टार्ट कर दूंगा, बस तू वो स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच। ठीक है चलो भाई, आ गया मैं स्टार्टिंग लाइन पर। तो स्टार्टिंग लाइन से पीछे ही रही है चौप भाई। अबे पीछे ही हूँ भाई, तू स्टार्ट कर। तो गो बोलते ही तू भगा दियो अपनी गाड़ी को। तो चौप भाई रेडी? मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो चलो गाइस टॉप राइट कॉर्नर में चैलेंज को करते हैं शुरू। लेट्स को भाई चॉप। तो गाड़ी को भगा सकता है चॉप तू डेफिनेटली, और यहाँ पर चॉप ने डेफिनेटली गाइस भगा भी दिया। और टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और चॉप की यहाँ पर गाड़ी ठुक गई है। ओके बॉल्स वगैरह फोड़ के, ओके बॉम्ब वगैरह तोड़ के आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर दो ऑप्शन थे सेलेक्ट करने के, बट यहाँ पर चॉप लेफ्ट की तरफ जाना चाह रहा है। भाई साहब यार लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। अच्छा ठीक है देखते हैं। ओके गाइज यहाँ पर टकरा रहा है यार इन लोगों से। अबे क्या कर रहा है भाई चॉप, तुझे लंबी गाड़ी नहीं चलानी आती? अबे थोड़ा सा मुश्किल है बे लंबी गाड़ी को कंट्रोल करना यार। ओके अब जंप लगानी है भाई चॉप सीधे तुझे। अबे ये जंप तो बड़ी मुश्किल लग रही है। अबे नहीं बे लग गई, अबे नहीं लग पाई बे, जरा सा रह गया मैं। चॉप भाई वापस से तू पीछे से आ चुका है। बे यार इस बार जंप थोड़ी बढ़िया तरीके से लगा दूंगा मैं। अबे यार क्या लगाऊं मैं जंप, बार बार इनसे ठुक जाता हूँ। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो फुल स्पीड। और फाइनली इस बार मैं आ ही गया रैंप के ऊपर। चलो भाई अभी इन विंडमिल से बचना है। कल भैया कितने मिनट हो गए बे? एक मिनट निकल चुके हैं भाई चॉप तेरे ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है वापस से तू गिरने वाला है। अबे नहीं गिरूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। ओके देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। बाकी विंडमिल्स के फटके भाई बहुत ही जोरदार होते हैं लिटरली। मैं यार पिछली बार हालत खराब हो गई थी रैम चैलेंज में। ओके वैसे गाइस तुम लोगों को क्या लगता है यार आज के इस चैलेंज को कौन जीतने वाला है? जाकर कमेंट में गेस कर सकते हो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। यस गाइस अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और कमेंट में जरूर गेस करना क्या लगता है कौन जीतने वाला है। और अभी बताऊं मैं सच सच तुम्हें, तो मुझे लगा था चॉप गया नीचे गिरने वाला है ये, बट विंडमिल्स की वजह से बच गया ये सिर्फ और सिर्फ। तो यार ये कंटेनर्स के अंदर से तो निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है, मेरी लंबी गाड़ी कैसे निकलेगी? यार ये रैंप स्पेशली डिजाइन ही किया गया है लॉन्गेस्ट कार्स के लिए, देख रहे हो कितना मुश्किल है निकलना। और अभी चॉप भाई ऊपर से तुझे घूम के आना है भाई। 2 मिनट ऑलरेडी यहाँ पर पास हो चुके हैं। ओके ओके चॉप भाई बढ़िया स्पीड में जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ अच्छी स्पीड है इसकी। ओके इधर फिर घूम के, ये क्या घूम रहे हैं बीच में? यार विंडमिल्स आज के बहुत ईजी है मेरे लिए। ले टकरा गया इजी बोलते ही। भाई सही से यूज कर बूस्टर्स वगैरह का, तू सही से यूज नहीं कर पा रहा है बूस्टर्स को। अभी देख ये वाली जंप बिना बूस्टर के लगा पाना मुश्किल है, देखा फेल हो गई ना जंप। अबे तो कैसे सही से यूज करूं यार, बीच में दो दो चक्रिया भी तो घूम रही है, एक ये विंडमिल और सामने एक वो पता नहीं क्या ही है, दोनों से टकरा जा रहा हूं मैं। तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा टाइम का थोड़ा बढ़िया तरीके से टाइमिंग रख अपनी, इतनी बेहुदा टाइमिंग रहेगी तो क्या हो रहा होगा। बाकी सामने की तरफ एक प्राइवेट जेट टकरा गया और चॉप फिर से नीचे गिर गया। चॉप भाई थोड़ी टाइमिंग को इम्प्रूव कर अपनी। क्या टाइमिंग को इम्प्रूव करूं मैं, 50 फटके खा चुका हूं मैं कब से। ओ चलो फाइनली ये टाइमिंग बढ़िया थी, आ गया बस बस लैंड कर जाऊं प्यार से। अबे गिरा दिया नीचे। चलो यार फाइनली ये टाइमिंग तो कम से कम ठीक ही थी। अभी ये आगे बढ़िया ये विंडमिल्स के फटके, अरे बच गया। और बे यार ये सबसे बकवास चीज है, ये सैटेलाइट का कुछ तो है गाइस जो बीच में घूम रहा है।
और ये बहुत ही प्यारी एंड ब्यूटीफुल जंप, कहां जंप लगाई है इसने, डायरेक्ट आगे और नीचे गिरेगा या फिर बचेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नीचे गिरेगा या बचेगा? गिर गया, लगा तो नहीं था कि ये नीचे गिरेगा बट फिर भी गाइस गिर गया। अभी फिलहाल पिछली बार जैसी जंप नहीं लगा पाया ये। ओके अब इसे इन कंटेनर्स के थ्रू स्लो करके अपनी गाड़ी को निकलना होगा और ऑलरेडी 4 मिनट पास हो चुके हैं गाइस। भाई यार ये जब रैंप चैलेंज करते तो टाइम कितनी फास्ट जाता है भाई, पता भी नहीं चलता टाइम बीत कैसे रहा है। अभी देखो 4 मिनट हो गए, पता भी चला जरा सा भी। और भाई चौप, ओके चला गया, क्या बात है। अभी ऊपर से जाना है। अबे फिनिश लाइन कितनी दूर है बे? अभी तो काफी दूर है तो फिनिश लाइन से, या फिर शायद हाँ बस वो एनाकोंडा वाला पार्ट पार करेगा तू, उसके बाद फिनिश लाइन ही है। क्या चलो, अरे जल्दी हो जा यार, एक तो ये विंडमिल्स ने दिमाग खराब कर रखा मेरा सच में। अबे पार कर लेगा भाई तू, टेंशन मत ले, हो जाएगा सब कुछ। अबे भाई साहब एक कलुए बात बता, ये बूस्ट का यूज कर सकते हैं? मुझे क्या पता, ये तुम्हारा रैंप है भाई, तुम लोग बताओ। शिनचैन भाई बता, बूस्ट का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार, अगर तुम्हारी गाड़ी के अंदर बूस्ट है तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो पहले बताते ना यार ये बात। अब देखो मैं बूस्ट से कैसे तबाही मचाता हूँ। कैसे तबाही मचाएगा भाई, ठुक तो गया विंडमिल से। अब देख तू बूस्ट से मेरी तबाही, पता नहीं गाइस क्या ही तबाही मचाएगा ये। बाकी अभी तो 5-5.5 मिनट बीत चुके हैं और अभी भी ये इसी पार्ट पे अटका पड़ा है। एनाकोंडा वाले पेट के अंदर पहुंच चुका है ये, और इस एनाकोंडा के पेट के अंदर बहुत फटके पड़ रहे हैं विंडमिल के। कितनी विंडमिल्स है यार चौप, तू तो हर विंडमिल से टकरा रहा है, क्या दिक्कत है तुझे? अबे कुछ नहीं यार कलुआ, हर बार ठोक ही जाता हूँ मैं। चलो आगे निकल गया अपने बूस्ट की हेल्प से। अब देखियो बूस्ट का बिल्कुल सही प्रयोग, देखा? अरे क्या बात है, बूस्ट का यूज करना सीख गया चौप। अबे हाँ यार बढ़िया तरीके से यूज कर रहा है अब तो बूस्ट का। अब देखो मेरी जंप कितनी एपिक लगाऊंगा मैं बूस्ट का यूज करके, ये देख, देखा भाई कितनी प्यारी जंप। और इसी के साथ गाइस 6 मिनट भी पूरे हो चुके हैं चौप के, और अभी फाइनली फिनिश लाइन नजर आने लग गई है। देखते हैं क्या 7 मिनट से पहले ये चौप फिनिश कर पाएगा, लेट्स सी क्या होता है। लग तो रहा है फिनिश कर देगा 7 मिनट होने से पहले। चौप भाई जा जा जा, जल्दी जा भाई। थैंक यू यार कलुआ मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट करेगा उसके बाद ही तो मेरी बारी आएगी नालायक। ओके गाइस, और ये इसी के साथ फाइनली चौप करने वाला है फिनिश, और यहाँ पर चौप ने कर दिया है फिनिश। अबे फिनिश लाइन के नीचे से निकल। ओके तो यहाँ पर गाइस चौप ने कर दिया फिनिश, और तुम लोग देख सकते हो गाइस चौप ने लिए हैं लगभग 7.5 मिनट 6 मिनट 45 सेकंड के आसपास लिए हैं इसने, चूंकि काफी ठीक ठाक टाइम है इतने लंबे रैंप चैलेंज के लिए। आई थिंक चौप भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, अब तू वापस आ जा। तो अभी बारी है गाइस शिनचैन की। शिनचैन रेडी है? अरे बिल्कुल रेडी है यार, और मेरे बाद किसकी बारी है? तेरे बाद भाई मेरी, और मेरे बाद फिर पिंचन की। पिंचन तू भी रेडी है ना? अरे मैं क्यों रेडी रहूं, मेरे तो सबसे लास्ट नंबर है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर शिनचैन आ चुका है गाइस स्टार्टिंग लाइन पर अपनी लॉन्गेस्ट कार को लेकर, और गो बोलते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो पिंचन रेडी गो। तो यहाँ पर टाइमर शुरू हो चुका है गाइस टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ पर शिनचैन दौड़ चुका है। आई डोंट नो मैंने पिंचन क्यों बोला, बट जो भी हो अभी शिनचैन दौड़ चुका है। दौड़ क्या चुका है, गाड़ी को भगा चुका है। ये लेफ्ट लेगा या राइट लेगा, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूजन के चक्कर में इसकी गाड़ी इधर उधर पलट रही है। आई डोंट नो क्या एक करने वाला है ये। क्या सोच रहा भाई शिनचैन तू? अरे राइट जाऊंगा यही सोच रहा हूँ, और क्या। हाँ तो ये थोड़ी पहले सोच लेता, बार बार टकराया जा रहा है। क्या कर रहा है यार ये, तो यही अटक गया है। ओके तो यहाँ पर आई थिंक राइट वाला डिसीजन गलत है, चौप ने सही डिसीजन लिया था यार, लेफ्ट वाला बढ़िया था। बाकी जंप तो इसने काफी अच्छी लगाई है, चौप को 3 जंप्स लगी थी यहाँ तक पहुँचने में, बट शिनचैन ने फर्स्ट जंप में ही गाइस कर दिखाया है, और यहाँ पर पहुँच चुका है और गाड़ी पलट चुकी है इसकी। बट अभी भी प्लेटफॉर्म पे टिका हुआ है, बट अब नहीं टिका हुआ है, नीचे गिर गया है। वापस से जंप लगाने की बारी आ चुकी है, नीचे गिर गया था इसी वजह से, और इस बार जंप अच्छी लगाई है। आई थिंक ये विंडमिल्स को डॉच किया, इस विंडमिल को भी डॉच किया। ओ सॉरी विंडमिल्स को तो बढ़िया तरीके से डॉच कर रहा है, क्या बात है भाई शिनचैन, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी भाई, सॉरी विंडमिल्स को डॉच करते हुए भागे जा रहा। ओ अब टकरा गया। अरे तुम्हारी नजर लग गई यार। नजर क्या भाई, टकराना था तो टकरा गया तू अब। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी डॉज भाई, विंडमिल्स तो बढ़िया डॉज कर रहा है, ये चौप से तो अच्छी डॉजिंग कर रहा है। तब भाई साहब आ यार, ये बात तो सही कह रहा है यार तू, शिनचैन बढ़िया तरीके से डॉज तो कर रहा है। यहाँ पर अटक गया। ओके पता नहीं यार इसकी गाड़ी यहाँ से निकल भी पाएगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता निकल पाएगी। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा गाइस इसकी गाड़ी। ओ निकल गई निकल गई निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, और पीछे वाला पार्ट अटक गया। बूस्ट दे दे बस, बहुत बढ़िया। और अभी देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। चलो गाड़ी तो घुमा ली इसने,
अबे यार बहुत पीछे रह गया भाई शिनचान, तू थोड़ा फास्ट जा। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ, क्या ही करूँ। कोई बात नहीं, भगाता रह गाड़ी को, भगाता रह। ओके, शुरुआत में तो काफी अच्छी स्पीड थी इसकी, जो इसने विंडमिल्स को डॉच किया ना भाई वो बहुत ही परफेक्ट था एकदम। इसकी गाड़ी जो है भाई, इसके अंदर 6 पहिए हैं बट ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है। और ये नीचे गिर चुका है, वापस से स्टार्ट कर दिया इसने। लो भाई नीचे गया, फिर वहां से ये रिस्पॉन हो चुका है और इस बार बच गया। बूस्ट का बिल्कुल सही टाइम पे इस्तेमाल, और यहाँ पर चौप बहुत देर तक अटका था। देखते हैं क्या शिनचान अटकेगा या फिर नहीं। ओके, तुम लोग कमेंट में जाकर गैस करो यार, क्या लगता है आज के चैलेंज को कौन जीतने वाला है। यस, अभी के अभी जाओ कमेंट में गैस करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लो गया नीचे ये, अब की बार देखते हैं क्या होता है। और इस बार नहीं गिराया भाई, ये बूस्ट वाला सिस्टम सही किया यार, ये बूस्ट वाला सिस्टम बिल्कुल ठीक है। लो ये किधर जा रहा है, ले फिर गया ये नीचे। भाई शिनचान बहुत पीछे रह गया यार, तू चौप से बार बार फटके खा रहा है विंडमिल्स के बस तू। ओके, बूस्ट का सही से नहीं यूज कर पा रहा है ये बिल्कुल भी। भाई शिनचान तुझे जल्दी करना होगा, वरना चौप से तो तू डेफिनेटली हारने वाला है। अरे क्या करूँ यार, ये लंबी गाड़ी वाला चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे वाला पार्ट निकल जाता है लेकिन पीछे वाला विंडमिल से टकरा जाता है। वही तो सीन है ना भाई, लॉन्गेस्ट कार चैलेंज हार्ड क्यों है, इसी वजह से तो, वरना तो फिर नॉर्मल गाड़ी और लॉन्गेस्ट कार चैलेंज में फर्क ही क्या होता। बाकी ये जंप, क्या जंप लगाई है भाई इसने। ले अरे तुम तो एक तारीफ पहले मत करो यार। बताओ यार, मेरे को तारीफ करने से मना कर रहा है, इस बार तो मैंने कुछ कहा भी नहीं फिर भी गिर गया। भाई तारीफ की बात नहीं है, तुझे चौप से बढ़िया गाड़ी नहीं चलानी आती। चौप एकदम मस्त मक्खन चला रहा था, वहीं शिनचान नहीं चला पा रहा है गाइस, तुम लोग देख सकते हो। काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि 5 मिनट होने वाले हैं और अभी तक ये फिनिश लाइन के करीब भी नहीं पहुंचा है, एनाकोंडा के पास भी नहीं पहुंचा है। बताओ अभी तक ये भाई चौप से तो डेफिनेटली हारने वाला है ये, वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। काफी पीछे रह गया भाई चौप से तू। अच्छा यार कलवे, मैं तो हूँ ही सुपर स्मार्ट, तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्या पता तेरे को पिंजन और मेरे में से कोई हरा दे। अबे हाँ बे, बात तो सही कह रहा तू, हाँ इसलिए चुप बैठा है। अबे लेकिन मेरे को नहीं लगता तुम लोग हरा पाओगे, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। चौप के बच्चे तू कम बोल रहे, अभी ज्यादा बोल रहा है, अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है कि तू अपने आपको विनर मान के बैठा है। मैं तो मानूंगा भाई, मैं विनर हूँ, था और रहूंगा। अच्छा भाई, कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया इस चौप के बच्चे में तो। शिनचान भाई इसका घमंड चूर चूर कर दे। अरे क्या चूर चूर कर दूं यार, कितने मिनट हो गए पहले ये बताओ। 6 मिनट होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और तू भाई बहुत पीछे है अभी भी। एनाकोंडा क्लियर करेगा उसके बाद फिनिश लाइन आएगी, अभी तो तू उसके मुंह के अंदर ही फंसा हुआ है। ओके गाइस, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मे बी शिनचान से भी बकवास हमारी परफॉर्मेंस रहे। भाई कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तो फिलहाल। ओके बै, बूस्ट का तो गलत टाइम पे एक तो यूज कर रहा है। ओके शिनचान को गाइस तुम लोगों की जरूरत है, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो ताकि जल्द से जल्द कम से कम ये चैलेंज तो खत्म करे। भाई चैलेंज ही नहीं खत्म हो रहा इससे तो। जाओ गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बट क्या जंप है भाई, ये कितनी आगे आ गया सीधे भाई साहब, और क्या लैंडिंग है भाई, कितनी आगे आ गया लिटरली में ये सीधे भाई, इसे कहते हैं जंप, कितनी आगे आया है ये सीधे जंप लगा के। और फाइनली गाइस अभी फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है, देखते हैं 7 मिनट से पहले क्या ये पहुंच पाएगा। और यहां पर हो चुके हैं पूरे 7 मिनट, और यहां पर गाइस शिनचान ने इस चैलेंज को ख़त्म किया है लगभग 7 मिनट में, और काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, बट चौप से बेकार। शिनचान भाई चौप से पीछे ही रह गया तू, 15 सेकंड लेट हो गया, 15 सेकंड पहले आ जाता तो शायद चौप को तू हरा सकता था। तो बारी है अभी मेरी, लेट्स गो। मेरे लिए कौन काउंटडाउन लगाएगा भाई? अरे मैं लगाऊंगा और कौन, तो क्या तुम रेडी हो? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो चलो तुम्हारा टाइमर होता है शुरू, लेट्स गो। ओके गाइस गो, यहाँ पर बोल दिया शिनचान ने, तो भी मैंने अपनी लिमोजिन को भगाना शुरू कर दिया है, और मैं काफ़ी ज़्यादा कूल माइंडेड जाने वाला हूँ। मैं भाई कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करने वाला, कोई दिक्कत नहीं करने वाला, बिल्कुल सिंपली प्यार से गाड़ी को भगाऊंगा और सिंपली आगे जाऊंगा, बस यही करना है मुझे। लेट्स गो। मैंने राइट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि शिनचान ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी शुरुआत में, एंड में भले इसने हक दिया लेकिन शुरू में तो बढ़िया गया था ये। और यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है बूस्टर यूज़ करने का, और ये जंप काफी एपिक, और इसी जंप के साथ मैं यहाँ पर आगे की तरफ आ चुका हूँ। और ओके ओके ओके, लेफ्ट लेना है यहाँ से, काफी बढ़िया तरीके से मैंने भी विंडमिल डॉच की है। यार मेरे बाद कौन रह जाएगा, पिंचन शुरुआत में तो मैं बढ़िया जा रहा हूँ, ले तारीफ की और नीचे गिर गया। हाँ तो मैं कह रहा था गाइस शुरुआत में तो मैं काफी बेकार जा रहा हूँ। हाँ तो मैं कुछ नहीं कह रहा था गाइस, क्योंकि जब जब बोलता हूँ यार मैं तब तब पिट जाता हूँ विंडमिल से, फटके पड़ रहे हैं बार बार। ओके ओके बच गया,
ओके बॉल्स के ऊपर से, कम ऑन इधर इधर इधर, बहुत ही बढ़िया। अबे उड़ा दिया प्लीज आगे ले जा मेरी गाड़ी। नीचे गया मैं तो। कितना टाइम हो गया भाई शिनचैन? अरे 1.5 मिनट होने वाले हैं। 1.5 मिनट निकल भी गए, गाड़ी कैसे घुमाऊं? घूम जा मेरी गाड़ी, घूम जाना जल्दी से। ओके घूम गई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से अभी लेफ्ट घूम जा मेरी गाड़ी, बहुत ही बढ़िया। विंडमिल्स तुम्हारी ऐसी की तैसी, ओके विंडमिल्स तुम्हारी फिर से ऐसी की तैसी, ले मैं उड़ गया। ये चैलेंज जो है ना भाई, लिटरली में 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये विंडमिल्स और ये जो चरखे से घूम रहे बीच में ऑरेंज कलर के, इनकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें गाड़ी अटक जाती है भाई। ठुकती तो है चलो माना, बट गाड़ी अटक भी तो जाती है। अब क्या ही करेगा अगला वाला बंदा गाड़ी जब उसकी बार बार अटक रही है। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ मैं? ओके अरे विंडमिल्स थोड़ा स्लो घूम ले भाई, कम से कम चॉप को तो विनर नहीं बनने देना मेरे को। ओके भले मेरे को पिंचन हरा दे, बट मेरे को चॉप से नहीं हारना भाई। ओके बताओ भाई, अगर ह्यूमंस के बीच में एक डॉग आकर डॉग हरा दे, वो भी कार ड्राइविंग के रैंप चैलेंज में, कितनी ज्यादा बड़ी बेइज्जती है भाई हमारे लिए। इसीलिए चॉप को तो हराना मेरे को, कम से कम चॉप को तो हराऊंगा मैं। ओके ये भी जंप बढ़िया लगा दिया मैंने। ओके कम से कम कंटेनर्स को डॉज, बहुत ही एपिक। अबे रुक जा। ओ क्या सही टाइम पे यूज किया मैंने बूस्टर्स का, गाड़ी रुक गई मेरी। अभी गाइस 3 मिनट होने वाले हैं शायद। है भाई कितने मिनट होने वाले हैं शिनचैन? अरे बिल्कुल सही गैस किया यार तुमने तो। बे क्या बात है यार, मैंने तो तुक्का लगाया था सच में। ओके 3 मिनट हो चुके हैं गाइस, इसका मतलब अभी हम लोगों के पास काफी 3 मिनट और हैं, और आई थिंक मैं एनाकोंडा तक पहुंचने वाला हूं, काफी ज्यादा जल्दी पहुंचने वाला हूं। क्या मैं इस चैलेंज को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ? 6 मिनट कुछ तो चॉप ने लिए थे, और क्या मैं इस चैलेंज को 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ? तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हो सकती है। लेट्स गो, कम ऑन, खत्म करना है मुझे 5 मिनट के अंदर। भाई कितने मिनट हो गए? अरे 3.5 मिनट, और तुम एनाकोंडा के अंदर एंटर कर चुके हो यार। इस ट्यूब वाले चैलेंज को हम लोगों ने गाइस एनाकोंडा का नाम दिया है, क्योंकि इतना बड़ा ही होता है भाई एनाकोंडा पुराने जमाने वाला। और ये विंडमिल्स के फटके पड़ रहे हैं, बट मेरी गाड़ी नहीं रुक रही है भाई, बिंदास जा रही है। इसे कहते हैं सही तरीके से बूस्टर का यूज करना। देखा तुम लोगों ने वहां पर, जब मैं गिरने वाला था तब मैंने बिल्कुल एकदम खतरनाक यूज किया था, और अभी फिलहाल यहाँ पर कर रहा हूँ। कितने मिनट हो गए भाई? 4 मिनट हो गए। अबे एनाकोंडा वाला पार्ट, ओके कंप्लीट, एनाकोंडा वाला पार्ट तब कंप्लीट होने वाला है। अभी इस पार्ट से बाहर निकल के मैं सीधे जंप लगा देता हूँ वो शिनचैन की तरह। लेट्स गो कम ऑन लैंडिंग प्लीज, बढ़िया से लैंडिंग हो जाए। ओके चलो लैंडिंग तो बढ़िया हुई है एकदम, बस आगे निकल जाऊं मैं यहाँ से। ओके गाड़ी सीधी हो जा मेरी। अरे यार एक तो ये गाड़ी जल्दी सीधी नहीं होती है। ओके बढ़िया। कितने मिनट हो गए? अरे 4.5 मिनट यार। ओ नाइस यार, मैं तो सही आ गया, फिर फिनिश लाइन मुझे नजर आ रही है। अभी फुल स्पीड में भगाते हैं गाइस इस गाड़ी को और क्लियर करते हैं फिनिश लाइन। अरे 4 मिनट 45 सेकंड्स में तुमने कंप्लीट कर दिया यार। 4.5 मिनट में, लेट्स गो। इसे कहते हैं भाई चैलेंज कंप्लीट करना। ओके मजा आ गया। अब बारी है पिंचन की, तो पिंचन रेडी हो जा भाई। तो अभी लास्ट कंटेस्टेंट है गाइस पिंचन। अब देखना ये है कि पिंचन का मुझसे कम टाइम लेता है या मुझसे ज्यादा टाइम लेता है। लेट्स गो, रेडी है भाई पिंचन? अरे बिल्कुल रेडी, टाइमर स्टार्ट करो। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर टाइमर शुरू हो चुका है गाइस, और यहाँ पर भाई पिंचन ने लिटरली में अपनी गाड़ी को एकदम रॉकेट बूस्ट देकर फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया, और ये चॉप की तरफ लेफ्ट की तरफ से जा रहा है। ओके नाइस यार, वो भाई बढ़िया चला रहा है पिंचन तो गाड़ी। ओ भाई साहब क्या आवाज है यार, पिंचन कहाँ से ये टैलेंट आया तेरे में? ओ ये तो ऊपर से निकल गया। अबे ये तो हम में से किसी ने सोचा ही नहीं यार। अबे लेकिन ये तो नीचे गिर गया है, सही है, नहीं सोचा हम लोगों में किसे किसी ने ऐसा फालतू का आइडिया। चलो आ ही गया ये वापस यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगाने के बाद, और उड़ गया विंडमिल से। ओके पिंचन भाई सही जा रहा है अभी तक तो, तू 1 मिनट भी नहीं हुए हैं और इस पार्ट पे पहुंच गया है, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है। और यहाँ पर लेफ्ट फटका पड़ा बट नीचे नहीं गिरा, क्या बात है भाई पिंचन। और किस्मत देखो इसकी, क्या जरा जरा सा बच रहा है ये। अरे किस्मत ही टैलेंट बोलते हैं इसे। हाँ हाँ चल बहुत है टैलेंट। ओके तो यहाँ पर गाइस पिंचन इस पार्ट तक भी पहुँच चुका है, तो बस ये वाला पार्ट क्लियर करना है इसे। लेट्स गो, ले गाड़ी अटक गई। अच्छा नहीं अटकेगी गाड़ी, इन लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोच समझ के रैम बनाया ताकि किसी की भी गाड़ी ना अटके। और यहाँ से गोला काटना होगा। चलो भाई पिंचन बहुत ही क्रेजी। और इसी के साथ लेफ्ट
और ओके नाइस, बढ़िया जा रहा है भाई पिंचर तो अभी तक। ओके इधर से भी बच गया और यहाँ पर जा रहा है गाइस पिंचर आगे। कमेंट में जाकर गेस करो यार क्या लगता है तुम लोगों को आज के इस ओपी वाले चैलेंज को कौन ही जीतने वाला है। यस गाइस अभी के अभी जाओ और कमेंट में गेस करो क्या लगता है कौन जीतेगा। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो। बाकी यहाँ पर भाई पिंचर ने एक बहुत ही क्रेजी जंप लगा दी है। ओके लिटरली में अच्छी जंप थी यार, क्या डॉज किया विंडमिल्स को। तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और कमेंट में जाकर गेस करो क्या लगता है कौन जीतेगा। वैसे टाइम तो तुम लोगों को पता ही है भाई कितना कितना किसने टाइम लिया है। ओके बहुत अच्छी जंप, क्या डॉज किया यार इसने भी कंटेनर्स को। भाई मैं सच बता रहा हूँ मेरे से भी बढ़िया जा रहा है ये पिंचन। 3 मिनट हुए हैं अभी सिर्फ और एनाकोंडा वाले पार्ट के पास पहुंचने भी वाला है ये। क्या बात है यार, वैसे 3 मिनट भी नहीं हुए अभी तक तो। भाई पिंचन क्या जीत के ही रहेगा क्या? अरे बिल्कुल यार जीत कर ही रहूंगा मैं। सही है भाई, ये जीत जाएगा तो ये तो सच में बहुत ही अजीबोगरीब बात हो जाएगी कि शिनचैन, फ्रैंकलिन और चॉप सबको हरा कर जीत चुका पिंचन। ओके एक तो बार बार ये विंडमिल से उड़ जाता है। फाइनली एनाकोंडा के अंदर एंटर कर चुका है ये। ओ भाई एनाकोंडा के अंदर क्या सही टाइम पे बूस्ट, भाई क्या जा रहा है ये, एक भी विंडमिल से नहीं टकराया। ओ टकरा गया। अरे तुम अपनी काली जुबान बंद रखो यार। चुप हो जा बे, मेरी काली जुबान नहीं है। तो अपने पे प्रिडिक्शंस क्यों नहीं किया यार? अब वो तो मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था तो मैं क्या प्रिडिक्शंस करूं। ओके ओके जा रहा है ये। ओके एनाकोंडा वाला पार्ट भी आई थिंक क्लियर होने वाला है। तो यार ये तो 4 मिनट के अंदर एनाकोंडा वाला पार्ट क्लियर कर चुका है, मैंने 4 मिनट 45 सेकंड लिए थे। भाई मेरे से भी कम टाइम में पहुंच के जीत जाएगा ये तो, और ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हो जाएगी यार। 4 मिनट हो चुके हैं गाइस, इसके पास 45 सेकंड है सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। ओके नीचे गया, बहुत बढ़िया, बट फिर भी नीचे गिर गया, लेकिन रिस्टार्ट तो यहीं से करेगा ये। ओके बच गया, फिर से बच गया। ओके सिर्फ और सिर्फ इसके पास 30 सेकंड है गाइस फिनिश लाइन क्रॉस करने के, और अगर इसने कर दिया तो ये मेरे से जीत जाएगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ लिटरली में 30 सेकंड है, और मुझे क्यों लग रहा है ये कर देगा कंप्लीट। अरे जीतने वाला हूँ मैं, ढोल ताशे बजाओ क्योंकि मैं जीत गया यार, फाइनली कंप्लीट। भाई 4.5 मिनट के अंदर इसने ये चैलेंज करके दिखा दिया यार। पिंचन भाई क्या दौड़ा है, भगाई है यार इसने अपनी गाड़ी। आजा भाई आजा। तो गाइज मुझे नहीं लगता यार तुम में से किसी ने भी प्रेडिक्ट किया होगा कि पिंचन आज के इस चैलेंज को जीतने वाला है, बट पिंचन जीत चुका है। तो सबसे पहले लीडर बोर्ड्स पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर बात की जाए फर्स्ट पोजीशन की तो वो जाती है पिंचन को फर्स्ट पोजीशन, इसलिए क्योंकि इसने इस चैलेंज को कम्प्लीट किया है 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर। सेकंड पोजीशन पर हूं मैं जिसने कम्प्लीट किया है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। थर्ड पोजीशन पर ऑब्वियसली चॉप जिसने 6 मिनट 45 सेकंड के अंदर इस चैलेंज को कम्प्लीट किया है। और शिनचैन है फोर्थ पर जिसने लगभग लगभग 7 मिनट लिए हैं। तो इसी के साथ आज का ये रैम चैलेंज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे मेरा प्राइज तो दो। अच्छा हाँ भाई शिनचैन प्राइज रखा है तुम लोगों ने? अरे बिल्कुल रखा है यार, अभी देता हूँ मैं पिंचन को। अरे प्राइज के तौर पर पिंचन को मिलता है ये गोल्डन जेट। पिछली बार मैं जीता था तो बस एक सुपर कार और इस बार गोल्डन जेट। खैर जो भी हो तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी पिंचन के तो मजे हैं भाई, सीधे गोल्डन जेट जीत गया।